नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज हमने क्या बनाया है, मुंबई का बहुत ही फेमस बड़ा पाव। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पैन लिया है, ऐड किया है उसमें ऑयल, ऐड किया है जीरा, ये राई है हमने वो भी ऐड की है। ये मसाला तैयार किया है लहसुन अदरक एंड कड़ी पत्ता हरी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बड़ा पाव में। ये तो हमेशा आपको ट्राई डालना ही डालना है। तो इसे भी हमें भून लेना है। ऐड करना है हमें कुछ मसाले, ऐड किया हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर, मिर्ची है ये वो ऐड किया है, नमक स्वाद अनुसार। ये चार मीडियम साइज के आलू हैं जिसे हमने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलू को ठंडा होने के लिए हमें साइड रख देना है। ऐड किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मैं इसके गोले बना लेने हैं कुछ इस तरह। देखिए सारे गोले बना के रेडी कर लेने हैं इसी तरह से। हमारे गोले बन के रेडी हैं। अब हमें एक पेस्ट बनाना है बेसन का घोल। ये है बेसन, ऐड किया है नमक, ऐड किया है अजवाइन, पानी ऐड करके हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला एंड गाढ़ा हमें पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि आलूओं पे हमें कोटिंग करनी है गोलों पे, तो हमारा ये थोड़ा सा गाढ़ा ही रहेगा। तो आप पानी देख के ही ऐड करिएगा। हमें गोलों को इसमें डीप डीप करना है कुछ इस तरह। देखिए एक पैन में ऑयल हमने पहले से ही गर्म किया हुआ है, तो हमें इनमें तल लेना है हमारे बड़ों को। फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, अच्छी तरह पलट के सेक लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अब हमें इनको निकाल लेना है। हमारे बड़े बन के रेडी हैं। पैन लिया है, ऐड किया है बटर, हमें इसमें अपने पाव को सेक लेना है। इसमें हमें चटनी लगानी है ग्रीन, हमने पहले से ही चैनल पर डाली हुई है, तो अगर आप चाहे तो रेसिपी देख सकते हैं। ग्रीन दोनों रेड चटनी दोनों ही बना के पहले से ही डाली है। अगर आप चाहे तो इस पर रेड चटनी भी लगा सकते हैं, हमें सिर्फ ग्रीन लगाई है। ऐड किया है हमें बड़ा, हमने ये मिर्ची फ्राई की थी उसे भी ऐड करना है। बहुत ही टेस्टी हमारी बड़ा पाव बन के देखी रेडी है। एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।